चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, जिसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी आया है। इसकी चर्चा कुछ समय पहले संसद में हुई थी और इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अभी आया है, जिस पर सरकार ने सुझाव भी मांगे हैं और इसके लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है। आज का हमारा विषय डायरेक्टली अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि इससे आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेंगे, और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये सीधे सीधे वाहनों से जुड़ा हुआ है, जो कि पॉल्यूशन से भी संबंध रखता है। तो आज हम इस पॉलिसी के बारे में ना केवल ये बातें करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बदलाव के बारे में सरकार ने बात की है, बल्कि इसके प्रभाव, इसके लाभ, इसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में इसलिए है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार व्हीकल स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के साथ खरीदे जाने वाले मोटर व्हीकल टैक्स पर 25% तक की छूट दी जाएगी। यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये सर्टिफिकेट होगा उसे वाहन खरीदने पर 25% तक की छूट देने का प्रावधान इसमें है। और केंद्र सरकार ने इस पॉलिसी के बारे में हाल ही में संसद में बात की थी, जिसे कालांतर में अगर सब कुछ सही रहता है तो बहुत ही जल्दी लागू कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम अब देखते हैं इस ड्राफ्ट पॉलिसी यानी कि इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार ये सर्टिफिकेट के साथ अगर कोई पैसेंजर गाड़ी खरीदता है, पर्सनल गाड़ी खरीदता है, तो उसे 25% और कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर 15% की छूट होगी। यानी कि जिस भी इंसान के पास ये सर्टिफिकेट होगा उनको ये छूट मिलेगी। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल पर 8 साल और पर्सनल व्हीकल इस सर्टिफिकेट के साथ खरीदने पर 15 साल तक टैक्स में भी छूट होगी। उससे पहले ये सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार ने इससे जुड़े सभी लोगों से इस मामले में सुझाव मांगे हैं, जिसके लिए 30 दिन का समय भी दिया गया है। सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई अपनी 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार को स्क्रैप करता है तो उसे व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो सीधा अगर साधारण शब्दों में समझे कि किसी के पास एक गाड़ी है और अगर वो इंसान उस गाड़ी को 15 साल से पहले स्क्रैप कर देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट के साथ गाड़ी लेने पर खरीद में भी छूट मिलेगी और साथ ही साथ जो है टैक्स में भी छूट मिलेगी। ये सारी छूट जो है हमारे अर्थव्यवस्था को भी फायदा देगी और हमारे पर्यावरण को भी फायदा देगी, क्योंकि सड़कों से प्रदूषण वाली गाड़ियां कम हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी पर क्या क्या ऐलान किए हैं। सबसे पहले फिटनेस सेंटर की सरकार ने बात करी है। व्हीकल का रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर उसे अनिवार्य रूप से फिटनेस सेंटर में ले जाना होगा, जहाँ तय होगा कि आपकी गाड़ी सड़कों पर चलने के लिए फिट है या नहीं। पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि प्राइवेट और कमर्शियल व्हीकल अगर 15 या 20 साल से ज़्यादा समय तक चले हैं और फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाएगा और उन्हें स्क्रैप करवाने का सुझाव दिया जाएगा। वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की जगह स्क्रैपिंग का सुझाव इसमें दिया जाएगा। दूसरा ऐलान जो सरकार की तरफ से किया गया है वो है ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के बारे में। रजिस्ट्रेशन रिन्यू के लिए शुल्क ज़्यादा लिया जाएगा, जिससे लोग पुराने वाहन की जगह नए वाहनों को खरीदेंगे और जो पुराने वाहन होंगे उनको स्क्रैप कराने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। इसके साथ ही ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर इसके लिए बनाए जाएंगे। जो भी वाहन स्क्रैप किए जाएंगे उनसे निकलने वाले पार्ट्स को रिसाइकिल किया जाएगा, इससे रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो तीसरी बात की गई है कि इसमें कितनी वैल्यू दी जाएगी, स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, तो स्क्रैप वैल्यू जो है 4-5% इसके लिए रखी गई है। और इस पॉलिसी के तहत रोड टैक्स पर 25% की छूट भी दी जाएगी। ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं सरकार ये पॉलिसी लेकर आ रही है, तो सरकार का इसमें उद्देश्य ये है कि ना केवल खरीददार को बल्कि बेचने वाले को भी और पर्यावरण को, तीनों को लाभ हो, इसलिए सुझाव भी मांगे गए हैं। अभी ये पॉलिसी आना बाकी है जो कालांतर में आएगी। हाल ही में हम सिर्फ ड्राफ्ट पे बात कर रहे हैं, पर अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो इस पॉलिसी से क्या क्या लाभ होंगे हम देख लेते हैं।
इससे ऑटो, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। अभी महामारी से ये इंडस्ट्री वैसे भी काफ़ी परेशान है। दुनिया की सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और बेहतर इसमें टेक्नोलॉजी आएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका बेहतर होगा, साथ ही में इको फ्रेंडली गाड़ियां भी सड़कों पर उतरेंगी। क्योंकि जब कंपनीज को भी पता होगा कि सरकार किस तरह की पॉलिसीज़ हैं, तो वो उस तरह की इको फ्रेंडली गाड़ियां ज़्यादा बनाएंगी, सब चीज़ों पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। जब बहुत पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतर पाएंगी तो बहुत तेल की खपत भी कम होगी, तो ये सारे फायदे इससे होंगे। अगर और विस्तार से बात की जाए तो पुराने वाहन मार्केट से हट जाते हैं और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट वाहन उनकी जगह ले लेते हैं, तो इससे क्या होता है, स्क्रैप और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल कम होगा, एक नया सेक्टर खड़ा होगा जिससे एमएसएमई सेक्टर में नई नौकरियां पैदा होंगी, तो रोज़गार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही इस पॉलिसी से कार्बन फुटप्रिंट घटेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण से कम होगी, और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी बूस्ट मिलेगा। रीसाइक्लिंग इंडस्ट्री के जरिए भी लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारे इससे लाभ दिखाई दे रहे हैं इस पॉलिसी से। इस नई पॉलिसी से ऑटो सेक्टर में तेज़ी आएगी और इस तेज़ी को कायम रखने में ये पॉलिसी मदद भी करेगी। यह ना केवल डिमांड बढ़ाएगी बल्कि पुराने वाहनों की रीसाइक्लिंग में भी ये मदद करेगी, जैसे कि जब गाड़ियाँ स्क्रैप हो जाएंगी तो उनके कल पुर्जे दोबारा रीसाइकिल करके उनको बेचा जाएगा, जो कि अब संभव नहीं है। तो ये सारे इससे फ़ायदे होंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सरकार 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को सड़क पे नहीं दौड़ने देगी, तो इसमें जो सरकारी बसें हैं, जैसे DTC की बसें हैं, वो 15 साल के बाद सड़क पर नहीं दौड़ पाएंगी, तो राज्य सरकारों को नई बसें खरीदना होगा। इससे उस उद्योग में भी बहुत इजाफा होगा, और जो सार्वजनिक परिवहन के जो साधन सड़कों पर दौड़ते हैं, जो कि प्रदूषण में बहुत बड़ा हिस्सा देते हैं, तो उससे आर्थिक फ़ायदा भी होगा और जो एनवायरनमेंट के एरिया में भी उससे फ़ायदा होगा। इस पॉलिसी के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही तर्क हैं। अभी जो है लोग, और वो तो प्रोस एंड कॉन हर एरिया के होते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि इसके पक्ष में क्या क्या कहा जा रहा है। ये जो है पॉलिसी सीधा सीधा फोकस करती है प्रदूषण को कम करने पर। फिलहाल यह पॉलिसी चार पहिया वाहनों के लिए आई है। उम्मीद है कि स्क्रैपेज पॉलिसी लागू होने के बाद 2025 तक 2.8 करोड़ वाहन जो है स्क्रैप हो जाएंगे, और इसमें ज़्यादातर टू व्हीलर होंगे। तो अगर इतने करोड़ वाहन स्क्रैप हो जाते हैं तो उससे जो है साफ साफ रीसाइक्लिंग के बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा, एनवायरनमेंट को भी इससे फ़ायदा होगा, और इनकी जगह जो इनके स्थान पर नए वाहन ले लेंगे उससे जो है तेल इंडस्ट्री हर जगह को फ़ायदा होगा। इसके जो प्रभाव पड़ेंगे वो क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन 17% तक घट जाएगा और पार्टिकुलर मैटर का एमिशन 24% तक कम हो जाएगा। साथ ही पुराने टेक्नोलॉजी के वाहन बाहर हो जाएंगे और नई नई टेक्नोलॉजीज में आने लगेगी। जब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब आवश्यकता होगी तो नए नए तरह के वाहन भी आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम रीसाइक्लिंग की बात करें तो औसतन भारत में 5 साल पुरानी कारें रीसाइकिल की जाती हैं, और यहाँ जो सरकार कह रही है वो ये कह रही है कि 15 साल में आप इसको स्क्रैप करो अपनी गाड़ी को। तो रीसाइकिल जो ये पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उनको रीसेल करने के बावजूद भी उनके पास काफ़ी समय रहेगा कि वो सड़कों पे दौड़ सकें। इससे जो है खरीददार और जो गाड़ियाँ रखने वाले आम लोग हैं उनको भी इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये इसके पक्ष में तर्क दिए जाते हैं। विपक्ष में भी कुछ इसके तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि सरकारी पॉलिसी पर अब भी पूरी तरह से स्पष्टता नहीं है, तो अस्पष्टता की बात की जाती है कि एक तो ये पॉलिसी भी स्पष्ट नहीं है, किसी को पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है, और इसके साथ ही फिटनेस टेस्ट से जुड़े नियमों के पैरामीटर का रिव्यू करना भी ज़रूरी है। मतलब कि जो पैरामीटर डिसाइड किए जाएंगे या जिनके बारे में भी बात हो रही है उनका रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है, दूसरा तर्क ये दिया जाता है। तीसरी बात ये बोली जाती है कि यह है पॉलिसी सरकार स्वैच्छिक तौर पर लेकर आई है, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। स्वैच्छिक शब्द जो है इस पॉलिसी के अंदर, उससे भी जो है कहा जा रहा है कि उसका भी रिव्यू करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा ऐसे फिटनेस सर्टिफिकेट की लागत कई गुना बढ़ाई नहीं जानी चाहिए,
इसके बदले में इसे हासिल करना आसान बनाया जाना चाहिए, यानी कि जो गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसकी जो कीमत है ऐसी रखनी चाहिए कि उसको हासिल करना किसी के लिए मुश्किल ना हो। ये भी एक इसका है। तो अभी सरकार ने क्या किया है कि 718 ऑटोमोटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाने की बात की है, जिनकी संख्या और बढ़ाई जाने की ज़रूरत है ऐसा कहा जा रहा है। अभी ये संख्या बहुत कम बताई जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही इस टॉपिक पर हमने सारी बात ऑलमोस्ट कर ली है, अब हम देखेंगे आज के प्रश्न को। आज का हमारा प्रश्न है, व्हीकल स्क्रैपेज ड्राफ्ट पॉलिसी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कमर्शियल व्हीकल पर 8 साल के लिए टैक्स छूट मिलेगी, जबकि पर्सनल व्हीकल खरीदने पर रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल तक के लिए टैक्स छूट मिलेगी। अगर कोई अपनी 15 साल से ज़्यादा पुरानी कार को स्क्रैप करता है तो उसे व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इन दोनों कथनों में से असत्य कथन को बताना है, उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा, आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका उत्तर है सी, ये दोनों कथन ही सत्य है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। और इस वीडियो और हमारे अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.